और महासमुंद जिले के तहसील पिथौरा के ग्राम पंचायत घूंच में एक अनोखा मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने बैठकर शासकीय भूमि को मुक्ति करने में मावेशी के लिए चारागाह भूमि को सुरक्षित करने को लेकर खड़ी फसल को चरवा दिया और धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में धान को इस तरह मावेशियों के हवाले करना जब लंबित है और शिकायतकर्ताओं ने तेंदुकोना थाना क्षेत्र में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। 14 से 15 किसानों की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाया गया है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। गौरतलब है कि जमीन का मामला तहसील पिथौरा कार्यालय में पिछले एक वर्षों से लंबित है और पीड़ित महिला के शिकायत पर बागबरहा SDPO ने निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सब मीटिंग सकला के एक बार सूचना भी करे रही से कि जो जितना भी अवैध जगह धरे वो छोड़ना है, ऐसा करके और तहसील न्यायालय में आवेदन भी दे रही से। तो हमन पेशी जात रहे हैं और अभी तक पेशी चलते छे, वहां से कोई आदेश नहीं आया है कि जमीन छोड़ो ऐसा करके, और गांव वाले बलपूर्वक जलन में चरा दिए खेतला। मैं भी एक शिकायत मात्र तेंदुकोना थाना व्यवस्था के क्या बोले थाना प्रभारी, थाना प्रभारी जांच जारी है करके बोले साहब, दोनों पक्ष के बात सुनबो फिर ना जांच चालू है ऐसे करके। अंदाजा मोर तो बहुत हो है, काबर की ना मैं JSB से बनवा हूँ वो और जो फसल लगवा हूँ करीबन वही 60-70 हजार के नुकसान हो है। लगातार कई वर्ष से कई जो ग्रामीण हैं वो वहाँ पर अवैध कब्जा करके फसल वसल उगा रहे थे, जिसके कारण हमारे ग्राम में मवेशियों को चराने के लिए जगह की अभाव हो रहे थे। तो इस कारण ग्रामीण जनों ने कई प्रकार की यहाँ गांव में बैठक करके उन लोग को सूचना भी दी थी, राजस्व विभाग में भी सूचना भी ग्राम पंचायत को पहले दिए, उसके बाद हम लोग तहसीलदार में सूचना दिए थे, इसका प्रकलन साथ चल रहे थे और उसके बाद कुछ कार्यवाही नहीं हुआ। तो फिर ग्रामीण लोगों ने फिर बैठक करके वहाँ पर मवेशियों को फिर फसल को चराने के लिए एक निर्णय लिए गए थे।